हेलो थियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबा देना, वीडियो पे लाइक का बटन दिख रहा होगा तो उसे भी दबा देना, और हाँ वीडियो के लाइक और शेयर के बाद जब तुम नीचे देखोगे तो कमेंट सेक्शन भी होगा तो उसे भी जाकर यूज़ करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ओके, आई होप कि तुम ये सब कर ही लोगे। तो अब आ जाते हैं सीधा ही पिछले एपिसोड पे। पिछला एपिसोड काफी शानदार था और हमने काफी कुछ देखा होता है, जहां मेनली हमने देखा हुआ होता है कि जोयान फिल रिफाइनिंग के लिए बैठ गया था। इसे बातचीत के बाद जोयान फिल रिफाइन करता है और उस फिल की स्मेल चारों तरफ फैल रही होती है, जिससे काफी सारे वीस्ट अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये वीस्ट जब यहाँ पे आ रहे होते हैं तो उस चक्कर में लंका लग रही होती है लॉन्ग बियाओ और बाकी के लोगों की। दोस्त जो निंग्याओ होता है उसे डर था कि कहीं ये सभी लोग, जो मतलब जो बंदा तियानसून को मार सकता है वो उसे भी ना मार दे, इसीलिए वो इमॉर्टल डिजायर से कहता है कि देखो यार, ऐसा है कि मैं 1000 साल तक तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करा दो। जो देखो इमॉर्टल डिजायर कहती है बस इतनी सी बात, चलो कर दिया तथास्तु। वो उसकी सोल से एक रेड कलर का जो थ्रेट होती है उसे निकाल लेती है, जिससे जो निंग्याओ होता है वो भाई आसपास के पॉइजन को अब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो जाता है। अब निंग्याओ का ब्रेक थ्रू होगा नहीं होगा वो तो हम इस एपिसोड में देखेंगे, लेकिन उसी बीच हमने सीन शिफ्ट हुआ देखा था, जहां पे हमने देखा हुआ होता है कि जोयान पिल रिफाइन करता है और पिल रिफाइन के बाद वो चला जाता है सी से मिलने, कुई से मिलने। उसी तरफ काफी सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर अट्रैक्ट होकर इन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुई से मिलते ही जोयान उससे बातचीत करता है और कहता है ये पिल तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या तुम एंटी वेनम पिल और एक पिल फार्मूला और कुछ इंग्रेडिएंट दे सकते हो। जो सुनकर जो क्वी होता है वो जुआन की बात से एग्री होता है और कहता है कुछ देर में भेजता हूँ, जिसके बाद वो जुआन को भेज देता है 7 पिल्स और एक फार्मूला और शायद उसे रिफाइन करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट। जिसके बाद हमने देखा हुआ होता है कि जो ताइक्स जुआन होता है वो बाहर निकलता है और उन सभी लोगों की लंका लगा देता है, जिसके बाद हमें ताइक्सोबर्ट के चूजे दिखाए गए थे जो जोयान को मारने के लिए आए थे और कहते हैं भाई अलग अलग टीम में बट जाते हैं और ढूंढ के इसे मार देंगे, क्योंकि जोयान ने जो जेट थी उसे छिपा दिया था, इसीलिए करंट लोकेशन इन्हें पता नहीं चल रही थी। तो आओ देखते हैं आज इस एपिसोड में क्या होगा। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आवाज सुनाई देती है दिलचस्प, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही कि क्या ये लोग आपका पीछा कर रहे हैं और क्या ये ल्यू हो सकता है। हेवन डेमन रियलम के अंदर ट्यूल पहने हुए एक ब्यूटीफुल फिगर खड़ी हुई होती है, जिसकी आंखें काफी सिकुड़ी हुई और थॉटफुल लग रही होती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है हे, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी एक्शन लेना होगा। और अचानक ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एकदम प्यारी सी स्माइल आ गई होती है और उसके बाद उसके पीछे शैडो से एक फिगर धीरे धीरे बाहर आती है और अपना सिर ऊपर उठाती है और ये फेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहती नहीं, मुझे एक स्ट्रेटजी के साथ ये सब करना होगा। अगर वो स्ट्रेटजी को समझ लेता है तो सब कुछ फेल हो जाएगा, इसलिए मुझे उसे एक अच्छे खेल को देखने देना होगा। जिसके बाद जो सी होती है ना जाने कैसे और कौन सा वो मैजिक करती है, लेकिन अचानक ही वो ब्यूटीफुल लड़की से एक स्ट्रॉन्ग ऑरे और प्रेजेंस वाले लड़के में बदल जाती है। जिसके बाद कोई तुरंत ही कहती है सी तुरंत ही कहती नहीं, ये चेहरा तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या हुआ अगर उसे ये पसंद आया। और इसके बाद अचानक ही वो अपने हाथ में एक पिल लेती है और उसे खाती, अचानक ये जो चेहरा होता है जो खूबसूरत था अचानक ही बदसूरत हो जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे बवासीर हो गई हो। राइटर को बताओ भाई, इसे ये भी नहीं पता है बवासीर चेहरे पे नहीं होती, हालांकि राइटर के मुंह पे हो सकती है क्योंकि राइटर मुंह से भी जहर ही उगल रहा है। इस टाइम पे ये जो बॉडी होती है एकदम झुकी हुई और काफी बदसूरत खलनायक जैसी लग रही होती है, जिसके बारे में तुरंत ही कहते बुरा नहीं बुरा नहीं, ये एकदम बढ़िया है, हालांकि कुई का ये क्लोन भी हो सकता है, ठीक है मुझे नहीं लगता कुई की रियल बॉडी होगी। जिसके बाद कुई तुरंत ही कहती है बुरा नहीं ये बढ़िया है, अपने काम को देखते हुए काफी सेटिस्फाइड होती है। दोस्तों बदसूरत दिखने वाला जो ये बंदा होता है मेन हॉल से बाहर चला जाता है और इससे निकलने वाला और काफी चौंकाने वाला था, और ये युआन से बस थोड़ा ही वीक था लेकिन फिर भी काफी पावरफुल। जिसके बाद जो सी होती है उस पर्सन को जाते हुए देख रही होती, मतलब उस फिगर को, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, लेकिन किसी अननोन रीजन के साथ उसकी आंखों में एक पागलपन भी होता है। किसी को भी नहीं पता था कोई अपने दिल में आखिरकार कौन सी स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका मुद्दा कुछ ज्यादा ही सीरियस होना चाहिए। साथ ही क्वी जिसने अपनी बॉडी पे ट्यूल पहना हुआ था उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा सुंदर होती है, मतलब सी जिसने ट्यूल पहना हुआ था जो कुछ किया उसने रियल बॉडी के साथ नहीं क्लोन बॉडी के साथ किया है। साथ ही उसकी बॉडी के जो वार होते हैं वो साफ दिखाई दे रहे होते हैं, साथ ही उसकी छिपी हुई ब्यूटी को भी कुछ हद तक देखा जा सकता था। जिसके बाद कोई कहती है वैसे सी कहती है इसमें ऐसा लगता है कोई शर्म की बात नहीं,
वैसे भी वो मेन हॉल के पीछे पहाड़ पर हैं और उस जगह पर बहुत कम लोग जाते हैं और उस जगह पर बहुत कम लोग इंटर कर सकते हैं। साथ ही उसकी आधी ढकी हुई बॉडी में ज्यादातर उसकी जो बॉडी होती है स्नो व्हाइट वो साफ दिख रही होती है। साथ ही सी बिल्कुल एक यंग लड़की की तरह दिख रही होती है जो वास्तव में अब तक इस वर्ल्ड में कभी आई ही नहीं या अपियर ही नहीं हुई। लेकिन ऑब्वियसली वो अपने कल्टीवेशन मेथड को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो तुरंत ही कहती, जू की बॉडी वास्तव में काफी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव है, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके का अट्रैक्शन रखता है। साथ ही उसके बारे में सोचते हुए ये वास्तव में काफी आउट ऑफ कंट्रोल थिंक है। और ऐसा कहते हुए जो सी होती है उसका चेहरा एकदम लाल हो गया होता है और ऐसा कहते हुए अचानक ही जो क्वी की उंगलियां होती हैं वो नीचे की तरफ जा चुकी होती हैं और मुंह से बड़बड़ाने की आवाजें, ऐसा लग रहा होता है कि स्वर्ग का सुख, राइटर तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीबी को बनमानुस उठा के ले जाए साले, समझ गए ना मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ ऐसी सिचुएशंस। चलो यार छोड़ो। यहाँ पे जो सी होती है उसकी बॉडी सिकुड़ रही होती है, कड़ी हो रही होती है और बुरी तरीके से कांप रही होती है और बीच बीच में दबी हुई कराहनी की आवाजें आ रही होती हैं, जैसे वो अब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गई हो। जिसके बाद उसकी फिगर धीरे धीरे शांत होती है और चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन का इम्प्रेशन दिखाई देता है। जिसके बाद कोई तुरंत ही कहती है, उसे सोचना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं उसके साथ कल्टीवेशन कर सकती हूँ तो मैं अभी भी अपने पाथ ऑफ डिजायर पर एक और स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ। जो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी की कमजोरी को ठीक कर दूंगी, जिसके बाद तुम हमारी मदद जरूर करोगे। इस टाइम पे जो यान जो सैंड पैलेस की तरफ जा रहा होता है उसे अचानक एक कोल्ड लाइट पीछे की तरफ उठती हुई दिखाई देती है जो कि एक बुरे पूर्वाभास को महसूस करा सकती थी, जो देखकर जो थोड़ी सी भूख से कोल्ड लेता है। जो यान तुरंत ही कहता है, ये आदमखोर दुनिया, इस जगह पर भले ही मैं यंग निंग्याओ को खत्म कर पाऊं या नहीं, मुझे जल्द से जल्द अब इस जगह को छोड़ना ही होगा। जॉन बड़बड़ाते हुए सैन पैलेस की तरफ बढ़ने के लिए पूरी स्पीड का यूज करता है। साथ ही सैन पैलेस अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। तभी लॉन्ग बियाओ तुरंत ही कहता है, हम आ गए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि यह सैन पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। लॉन्ग बियाओ आगे आकर हैरान होता है। साथ ही यहाँ पे जो चिमी का चूजा होता है वो भी काफी हैरान होता है। वो तुरंत ही कहता है, वास्तव में चिमी के चूजे वाले भैया ने सच ही कहा था, ये जगह पर काफी सारे मॉर्टल लेवल के वॉरियर ने लगता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लिया, इसीलिए यहाँ का इलाका हो चुका है इसका माकासाकी नाका। तभी जान कहता है, ये जगह उस जगह से कम कई सौ मील दूर है जहाँ पर हम पहले थे। और बोलते समय जो यान चीमी के चूजे की तरफ देखता है। हालांकि काफी सारे मॉर्टल लेवल के वॉरियर अगर डिस्ट्रक्शन के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं तो यह पावर ऑब्वियसली काफी ज्यादा हाई लेवल की होगी, लेकिन इस पावर की गहरी समझ रखने वाले लोग वास्तव में इसमें सुराग देख सकते थे। और यह सरप्राइज की बात नहीं थी कि ओंग डोंग यानी कि चिमी के चूजे ने यह कहा कि यहाँ काफी सारे लोगों ने डिस्ट्रक्शन किया। साथ ही यहाँ पे और अलग अलग तरीकों को देखकर स्ट्रेटजी बना रहा होता है और यह बेहतर होगा कि यहाँ सभी को ये लगे कि जो ने यहाँ पे कुछ भी देखा नहीं और कुछ भी नोटिस नहीं किया, वो बस खुद यहाँ देखने जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। साथ ही जैसे ही जोयान यहाँ पे आता है वो कुछ ही दूरी पर पॉइजनस फॉग देखता है, मानो कि इस जगह को ढकने वाला जो पूरा का पूरा पॉइजन फॉग था वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया हो। तभी जान उस पॉइजन मिस्ट पे अपनी आंखें क्लोज करता है और एक तेज लहर देखता है। तभी उसमें से एक हंसी की आवाज निकलती है, यो हाइनेस का रेइनकार्नेशन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। जब मैं कंपस में था मैंने आपकी बॉडी से निकलने वाले ऑरे को महसूस किया था जो काफी अजीब था। आपने ऑरा छिपा लिया था क्योंकि आपको डर था कि मैं आपको पहचान लूंगा, लेकिन इस समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे किसे और कैसे छिपाते हैं, आप अब छिप नहीं पाएंगे। फाइजन मिश से जैसे ये उदास वर्ड आए होते हैं, जान इन्हें सुनकर वो चढ़ा लेता है। तभी फैला हुआ जो ये पॉइजन मिस्ट होता है तेजी से वापस आ गया होता है और ये पूरा का पूरा प्लेस एक पल में पॉइजन से ढक गया होता है। और जैसे ही हल्की पॉइजन की मिस्ट उन्हें घेरने लगती है, उनकी आंखों के सामने एक ग्रीन लाइट दिखाई देती है जो सीधे ही जो यान की तरफ जा रही होती, लेकिन जो यान यहाँ आने के बाद कैसे तैयार नहीं हो सकता था। जान के पैरों के नीचे अचानक ही एक्सट्रीम एनर्जी फ्री होती है, एक्सट्रीमली थंडर अपेयर होती है और जान के लिए गुप्त अटैक काफी सुस्त अटैक होता है। जॉन आसानी से डॉच तो नहीं कर पाता लेकिन मुश्किल से डॉच कर लेता है। साथ ही पॉइजन मिस्ट ज्यादा डार्क नहीं थी ना ही कंडेंस, कम से कम कोई पर्सन इस पॉइजन मिस्ट में लटकी हुई फिगर को तो देख ही सकता था जो बहुत दूर नहीं खड़ी हुई होती और उसकी आंखों में धुंधले पल में दो ग्रीन लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही होती है। वो तुरंत ही कहता है, मुझे याद आ रहा है आपका नाम जियो यान, ठीक है तो आप ही हैं जिसने तियानसून को मारा। निंग्याओ सीधा ही जो यान को उसके नाम से बुला सकता है क्योंकि अब उसे अपनी पावर में घमंड आ चुका था। तभी जान कहता है, क्यों, क्या मैं उसे नहीं मार सकता। जॉन की जो आवाज होती है एकदम कोल्ड होती है और जोंगो और बाकी के लोगों को तुरंत ही लगता है
कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही अपने सिर को घुमाते हैं, लेकिन जब तक आप पॉइजन के फॉग से बाहर नहीं निकल जाते तब तक आपको वेट करना होगा। इसलिए जोयान की बात को सुनकर लॉन्ग बिया और जब बाकी के जो लोग होते हैं जल्द से जल्द पॉइजन मिस्ट के बाहर की तरफ भाग जाते हैं और वहां पे वेट करने लगते हैं। तभी लॉन्ग बिया तुरंत ही कहता है हर जगह एक स्ट्रॉन्ग एनिमी क्यों है, उसके साथ जाने का जोखिम बहुत बड़ा है। लॉन्ग बियाओ की तो सुन्न हो चुकी होती है खोपड़ी और उसे काफी हैरानगी महसूस हो रही होती है। हालांकि पॉइजन मिस्ट में उस बंदे को आसानी से और अच्छे से क्लियरली विजुअल तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उससे निकलने वाले धुंधले ऑरे ने इन लोगों को हैरान कर दिया होता है। ये तुरंत ही कहते वो एक पावरफुल इमॉर्टल गॉड है। जोंगो और बाकी के लोगों के पीछे हटने के बाद केवल चीमी का चूजा ही होता है जो अभी भी बाहर नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था कि वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। हालांकि जोयान को यह नहीं पता था कि निंग्याओ की बॉडी को सील करने वाला जो थ्रेड था वो अब निकल चुका है। हालांकि निंग्याओ ने अभी भी डिवाइन इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया था, इसलिए निंग्याओ तुरंत ही कहता है मैं अभी तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया। जो देखकर आवाज आती है मैंने केवल तुम्हारे लिए तुम्हारी सोल पे लगी हुई बेड़ियों को तोड़ने का वादा किया था। इमॉर्टल मॉन्स्टर एसेंट बर्ड की जो डिजायर थी, जैसी उसकी आवाज निंग्याओ सुनता उसकी पूरी बॉडी की जो मेरिडियंस होती है वो स्ट्रेसफुल हो गई होती है, क्योंकि क्या ये उसके साथ एक चाल नहीं थी। तभी उस टाइम पे निंग्याओ अपने सिर को उठाता और उसे महसूस होता है जैसे उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा पागलों की तरह दौड़ रहा हो। निंग्याओ तुरंत ही कहता है फिर मुझे बताओ मैं इमॉर्टल लेवल तक कैसे पहुंच सकता हूँ। निंग्याओ भी यहाँ पे टेंशन में आ गया होता है क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेगा, लेकिन ब्रेक थ्रू ना कर पाने के कारण अभी भी उसकी फटी हुई होती है। तभी अचानक आवाज आती है तुम मुझे अपनी डिजायर बताओ, जब तक इमॉर्टल मॉन्स्टर एशियंट वर्ल्ड मुसीबत में है तुम्हें बिना किसी शर्त के लड़ना होगा। अगर तुम पीछे हटने की हिम्मत करते हो तो इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड ऑफ की लाइफ को वहीं खत्म कर देगा, तो क्या आप तैयार हैं। जो सुनकर निंग्याओ अचानक एम्बैरस हो जाता है। हालांकि उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से बहाल हो गई थी और वापस से क्रिएट हुई बॉडी में एक साइन भी थी, लेकिन उसकी बॉडी के हर एक इंच को देखकर यह महसूस हो रहा था कि उसमें पॉइजन था। निंग्याओ तुरंत ही कहता है मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी पूछताछ पर इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड की डिजायर से कोई भी जवाब नहीं मिला होता, जिसका मतलब था कि उसके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं था। निंग्याओ हिचकिचाया होता है, लेकिन क्योंकि मामला पूरी तरीके से उसकी पकड़ से बाहर हो गया था, अगर वो इसमें रेडी नहीं होता तो जोयान के हाथों वो पेल दिया जाएगा। साथ ही इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद निंग्याओ को अभी भी लग रहा होता कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ पे काम तो कंप्लीट कर ही सकता है। तभी अचानक डिजायर की आवाज आती है सेनेक्सी से एक और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मुझे एक ब्रीज फील हो रही है, अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो अब ये आपकी मदद करने में कैपेबल नहीं रहूंगा। और इसे महसूस करते एक पावरफुल ऑरा तेजी से बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो लोग होते हैं। साथ यहाँ पे इंटर होने के बाद ऑब्वियसली निंग्याओ काफी सारे पॉइजन के साथ कॉन्टेक्ट करके उनको फील करने और बात करने में कैपेबल था, वो ऑब्वियसली पॉइजन को अपनी आई की तरह यूज कर सकता था। साथ ही निंग्याओ ने इस जगह और रियलम को भी मोटे तौर पर समझ लिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इमॉर्टल डेमन बिल्ड जो कह रही है वो सच है या नहीं। हालांकि इमॉर्टल डेमन बर्ड की डिजायर को निंग्याओ को धोखा देने की ऑब्वियसली कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन निंग्याओ अपने दांत पीसता है और पलक झपकते ही 3 सांसें बीत गई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली त्यानसून के साथ जब वो एशियंट इमॉर्टल वर्ल्ड में आए थे तो उनका मोटिव केवल अपने लक को तलाश करके ब्रेक थ्रू करना था, लेकिन अब ये चीज उतनी ज्यादा इजी नहीं रह गई थी क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। त्यानसून मर चुका है और अगर निंग्याओ जिंदा रहना चाहता है तो उसे ग्रॉड इमॉर्टल लेवल ब्रेक थ्रू करना होगा। इसलिए वो आंखें बंद करता है, दांत पीसता है और मुट्ठी जकड़ते हुए कहता है ठीक है मैं तैयार हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। जैसे ही निंग्याओ ने यह कहा होता ऐसा लग रहा होता उसकी आखिरी सांस भी छीन ली गई हो। आंखें एकदम कमिटेड होती जैसे अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी कि वो अब सेनेक्सी में जा सकता है या नहीं, क्योंकि अब उसके बॉडी का अगर एज्योर हार्ट उसे इमॉर्टल नहीं रख सकता था तो निंग्याओ को जब यह खतरा महसूस होता है तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। साथ ही एक डर की जो भावना थी जो उसे महसूस हुई थी वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी भी उसे महसूस नहीं हुआ, तब भी नहीं जब सेनेक्सी में योर हाइनेस के ओरिजिन था। इस टाइम पे निंग्याओ को मौत का डर बेहद डर आ रहा होता, वो नहीं चाहता था कि वो एक इमॉर्टल लेवल के बंदे के हाथों मारा जाए। हालांकि जैसे ही निंग्याओ ने बोलना समाप्त किया होता उसके चारों तरफ की जो इमॉर्टल पावर होती है वो हवा में पागलों की तरह घूमते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसकी ग्रीन आई चमकने लगती है और बॉडी की स्किन में हर एक एक्यूपंचर पॉइंट ग्रीन लाइट से ग्लो हो रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है हाँ ये पावर गॉड इमॉर्टल लेवल, मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। निंग्याओ की जो वाइल्ड स्माइल होती है वो चारों तरफ फैल रही होती है और उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरे को निकलता हुआ महसूस किया जा सकता था। ऐसा लग रहा होता है जैसे सब कुछ उसके उंगलियों के सारे पे नाच रहा हो, जिसके बाद एक ही फिंगर के घुमाते ही 1000+ डैगर जो अलग अलग कलर के होते हैं चारों तरफ घूमने लगते हैं। निंग्याओ तुरंत ही कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाथ ऑफ पॉइजन क्या है।
निंग्याओ अपने हाथ को हिलाता है और अनगिनत पॉइजन डैगर हवा में बढ़ जाते हैं। आसपास कांटे फूल पत्ते उगाए होते हैं जो एकदम पॉइजन से भरे हुए होते हैं और ये आसपास का प्लेस पूरी तरीके से पॉइजन वर्ल्ड में बदल चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज पॉइजन से भरी हुई है और जो भी इसे टच करेगा वो पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरे पॉइजन मिस्ट में पीछे हटने के बाद जोंगो और बाकी लोग इससे बाहर की तरफ तो आ गए होते लेकिन उनके चेहरा लाल हो गया होता है। यहाँ तक कि चिमी के कुछ चूजे ने तो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर दिया था। साथ ही उसके गोल्डन ब्लड में हल्के हरे कलर के डॉट देखे जा सकते थे जो देखकर वो तुरंत ही कहता है ये कितना पावरफुल पॉइजन है। वो तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ गया होता और अपनी बॉडी के मास और ब्लड को तेजी से शांत करने लगता है क्योंकि उसका ब्लड तेजी से सूख रहा था और यह कुछ ऐसा था जिसे उसने जानबूझकर अपनी बॉडी में करना शुरू कर दिया था ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन को कम कर सके। जोंगो और बाकी के जो लोग थे वो ओरिजिन गॉड नहीं थे लेकिन हालांकि पॉइजन स्ट्रॉन्ग था इसीलिए उन्हें भी क्रॉस लग करके बैठकर अपनी बॉडी से इन एंटीऑक्सीडेंट को बाहर निकालना पड़ता है। साथ ही चिमी के चूजे की जो बॉडी होती है वो भट्टे की तरह पर्पल कलर की हो चुकी होती है, उसकी आंखें कसकर बंद होती है और उसके माथे से पसीना बहरा होता है। हालांकि पॉइजन के फैलने की स्पीड को कम करने के बाद भी अपने ब्लड एनर्जी को दबा देने के बाद भी यह पॉइजन उसकी बॉडी की लंका लगा रहा होता है और जोंगो और बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि चीमी के चूजे की बॉडी में पॉइजन का इतना खतरनाक इफेक्ट क्यों था। भले ही वे सभी लोग एक ही टाइम पे बाहर निकले हो लेकिन उनकी बॉडी इन पॉइजन के साथ फाइट कर रही होती है जबकि चीमी के चूजे की हालत काफी खराब लग रही होती है। साथ ही उनके बीच की डिस्टेंस अभी भी काफी थी इसीलिए एक दूसरे की बातचीत सुनना या देख पाना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे वो लोग उस मिस्ट के अंदर जो यान को देख रहे होते हैं और सामने खड़े हुए बंदे को उन्होंने देखा था कि अभी भी दोनों फिगर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया बल्कि वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी वो तुरंत ही कहता है निश्चित तौर पर आप योर हाइनेस के रेइनकार्नेशन हैं जो इतने कम टाइम के अंदर इस लेवल तक पहुंच गए। अगर मैंने आपको फाइटिंग गॉड एलायंस में ही मिटा दिया था तो अब आप यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए फिर से आ गए। जो देखकर जॉन कहता ओह तो तुम अगर मुझे मिटा सकते थे तो फिर मारा क्यों नहीं। जो सुनकर निंग्याओ रुकता है, वास्तव में उसने जोयान की खोज कभी भी बंद नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्हें जॉन को मारने का मौका भी मिला था लेकिन वास्तव में जो यान को अंत में वो समाप्त नहीं कर पाए। उसके बजाय बार बार पीछा करने के दौरान जो यान की जो ताकत थी हर बार कई गुना ज्यादा बढ़ गई। वो तुरंत ही कहता है ये बात है यो हाइनेस वास्तव में एक स्टेप के साथ इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए छोड़ा गया एक स्टेप था। उन्होंने हमारी पावर को एम्प्रायर मोर्टल लेवल तक गिरा दिया क्योंकि अब हम आपके रेइनकार्नेशन को नहीं मार पाएंगे लेकिन हम उनका पीछा करेंगे जो कि उसे स्ट्रांग होने के लिए एक इंटेंट देगा और मजबूत लोगों से बचने के लिए वो खुद को स्ट्रांग बनाएगा। हालांकि आपको मदद मिलती है लेकिन आपको एक कमिटमेंट भी मिलती है और एक स्ट्रांग डिजायर जिससे आपका टारगेट हमेशा ही अपने आप को स्ट्रांग करना और आगे बढ़ता रहना है और सेनेक्सी के विकास को बढ़ावा देना है। तो ये पहले से ही ऐसा था, हम आपकी ग्रोथ को बिल्कुल नहीं रोक सकते और आपको मारना तो दूर की बात। निंग्याओ यह सब सोचने के बाद अपने दिल में काफी अनिच्छुक लग रहा होता है क्योंकि जो बात निश्चित तौर पर उसे समझ आई थी वो यही थी कि वो उसे नहीं मार पाएगा लेकिन इस बार उसके पास मौका था। हालांकि बेचारे को सबसे ज्यादा मायूसी और निराशा महसूस हो रही होती, वो जानता था एक बात तो क्लियर कि वो योर हाइनेस की शतरंज का सिर्फ एक प्यादा है जो इस शतरंज के खेल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तभी यान कहता है तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो कि तुम शतरंज के केवल एक मोहरे हो, तुम हमेशा सिर्फ एक मोहरे ही रहोगे लेकिन अब आप एक गेम से बाहर कर दिए गए मोहरे हैं, आपका अब गेम में रहने की कोई जरूरत नहीं। जॉन का किलिंग इंटेंट अचानक ही बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से निकलने वाले फ्लक्चुएशन को महसूस किया जा सकता था जो धीरे धीरे फैलता जा रहा होता है और जो यान के आईब्रो में दिखाई देने लगते हैं 9 स्टार जो देखकर जो निंग्याओ होता है वो तुरंत ही कहता है एक त्यागा हुआ बेकार और खराब प्लान। रेइनकार्नेट होने के बाद भी तुमने दुनिया की हर एक चीज को कैलकुलेट करके रखा था, तुम रेइनकार्नेशन के बाद भी इतने इगोइस्टिक कैसे हो सकते हो। भले ही मुझे रिजल्ट पता हो लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, भले ही आज मैं मर जाऊं। इस समय निंग्याओ की आंखें चमक रही होती, बिहेवियर काफी क्रूअल हो गया होता। उसे पता था कि अब वो इस गेम को तो नहीं बदल सकता लेकिन कम से कम वो जियान को एक खामियाजा भुगतने पर तो मजबूर कर ही सकता था। इस टाइम पे उसका चेहरा पॉइजन मिस्ट में काफी क्रूअल लग रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि डिवाइन मोटर लेवल को वो ब्रेक थ्रू कर चुका है लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा कि जोयान को वो अपने अपोनेंट के तौर पर देखेगा। जोयान को अपने अपोनेंट के तौर पर देखते हुए उसके पास सिर्फ एक ही थॉट था कि भले ही उसके पास सब कुछ है, ये उसके सामने कुछ भी ना होने के बराबर ही है क्योंकि ये जितने के जितने लोग हैं हेवन ह्यूमन मैंसन के, ये योर हाइनेस के नाम तो छोड़ो कच्छे के परछाई से भी डरते हैं।
साथी निंग्याओ को यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निंग्या तियानसून को मारने वाला बंदा जोयान होगा। बेचारे ने अब तक यही सोचा था कि वो क्वीन द्वारा भेजा गया कोई इमॉर्टल लेवल का पावर हाउस होगा, इसीलिए अभी भी उसके पास उम्मीद थी कि वो उसे मार देगा। लेकिन अब जोयान का सामना करते हुए निंग्याओ को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो जोयान को मार सकता है, और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि जोयान योहानेस का रेइनकार्नेशन है और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखे। और सबसे नॉर्मल बात जो उसे पता है कि योहानेस अगर सामने है या उसका रेइनकार्नेशन तो बस भाग जाओ। निंग्याओ यह बात अच्छी तरीके से जानता था और उसका टारगेट भी क्लियर था कि वो जोयान को नहीं मार सकता, लेकिन हैवीली इंजर्ड तो कर ही सकता है। निंग्याओ ने ऐसा लग रहा था कि डिसाइड कर लिया कि उसका मरना तय है, और उसे ये नहीं पता कि जोयान की जो स्किन है पहले से ही एज्योर पर्पल कलर से ढकी हुई है। यहाँ के जो पॉइजन गैस और मिस्ट है वो जोयान की बॉडी के अंदर तेजी से फैल रही होती है। साथ ही जोयान के मुंह में पहले से ही एक एंटीऑक्सीडेंट पिल होती है, यानी कि एंटी पॉइजन पिल, जिसे जोयान ने स्वैलो कर लिया था ताकि वो ओरिजिन गॉड की टू पावर का यूज कर सके। इस टाइम पे जोयान का चेहरा भी सीरियस होता है जबकि निंग्याओ उससे डर रहा होता है, तो जोयान भी निंग्याओ से डर रहा था। दोनों के ही अपने अपने थॉट थे। जोयान डर रहा है क्योंकि निंग्याओ की पावर स्ट्रांग है और उसके पास पॉइजन है, और निंग्याओ डर रहा था क्योंकि जोयान योहानेस का रेइनकार्नेशन है। हालांकि ये बात दोनों नहीं जानते कि वो दोनों डर रहे हैं। जैसे सेम ऐसी चीज मान लो यार कि तुम्हारी क्रश को तुम पे क्रश है, तुमको तुम्हारी क्रश पे क्रश है, तुम दोनों को नहीं पता कि तुम दोनों को एक दूसरे पे क्रश है, फिर उसकी शादी किसी और से हो जाती है, तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती है। बाप ना बोलो, एक दूसरे को बता दो। कैसा था एग्जाम्पल, तारीफ मत करना। जोयान को उम्मीद नहीं थी कि निंग्याओ वास्तव में यहाँ पे डिवाइन इमॉर्टल लेवल पर पहुंच जाएगा, जिससे जोयान को भी शक हो रहा होता कि क्या निंग्याओ ने वास्तव में डिवाइन इमॉर्टल लेवल को पाने के लिए किसी चीज या किसी तरीके पर भरोसा किया या फिर यहाँ के पॉइजन पे। जोयान ये तो नहीं सोच सकता था। आखिरकार निंग्याओ सेनेक्सी में जब गॉड इमॉर्टल लेवल को तोड़ नहीं पाया इतने टाइप के विष होने और पॉइजन होने के बाद, तेज जैसी जगह के इतने पतले और चूतिया टाइप के पॉइजन के साथ ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल था। तभी जो जोयान होता वो तुरंत ही कहता मुझे पहले से ही शक है, लेकिन निंग्याओ के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद यह लगभग कंफर्म हो चुका है कि इस जगह पर एंटर करने वाले जो स्ट्रांग लोग हैं, उन सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद कुछ हाई लेवल के स्ट्रांग लोगों को इमॉर्टल मॉन्स्टर डिजायर से मदद मिल रही है। ऐसा लगता है निंग्याओ ने कुछ बहुत ज्यादा ही भुगतान किया है, इसलिए इमॉर्टल डेमन वर्ल्ड की डिजायर ने उसे इमॉर्टल गॉड बनने में मदद की है। जोयान अपने दिल में बड़बड़ाता है। हालांकि जोयान भी इमॉर्टल मॉन्स्टर वर्ल्ड की डिजायर से एग्री हुआ है, लेकिन जोयान का जो एग्रीमेंट है वो केवल ओरल एग्रीमेंट यानी मुंह से कहा गया। साथ ही इसी कारण से जो ये डिजायर थी उसने जोयान को तीन लक दिए थे, यानी तीन चांसेस जहाँ जोयान डेमोनिक बर्ड के लक का यूज कर सकता है। साथ ही निंग्याओ को तो उसने डिवाइन इमॉर्टल लेवल पर पहुंचने की इजाजत दी थी। हालांकि जोयान को मिली हुई चीज इससे कम बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बस जोयान का जो था वो टेम्परेरी था, ना कि परमानेंट। हालांकि जोयान इमॉर्टल मॉन्स्टर एसेंट बर्ड के आखिरी लक को अपने लिए बचा कर रखने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसे बचा पाना संभव नहीं होगा क्योंकि निंग्याओ के साथ फाइट करते हुए जोयान को उसका यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कोई हताश सिचुएशन ना आ जाए, जोयान अभी भी अपने ताकत से ही निंग्याओ के साथ लड़ने का कोशिश करना चाहता था। हालांकि अगर यहाँ पे कोई और इमॉर्टल गॉड होता तो जोयान के पास मौका नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे निंग्याओ का और एकदम स्टेबल नहीं था, इसलिए वो अभी भी गॉड इमॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता था और थोड़े समय में पूरी तरीके से इससे अनुकूलित हो सकता था। मतलब अनुकूलित नहीं हो सकता था, मतलब इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता था जल्दी। इसलिए अब जोयान के पास जो कि अभी भी मौका है तो जोयान इससे फाइट कर सकता था। जोयान तुरंत ही अपने मुंह में डाली हुई पॉइजन पिल को काटता है जो उसकी बॉडी में पिघलती, और पॉइजन जोयान की बॉडी से गायब। जादू। जोयान निंग्याओ से बकवास करना कंटिन्यू नहीं रखता और अपने पैरों को आगे बढ़ाता है और एक्सट्रीम थंडरबोल्ट जोयान के पैरों के नीचे साइन होते और जोयान गायब। जब जोयान फिर से अपेयर होता है तो वो पहले से ही निंग्याओ के पास आ गया होता है। जोयान ने अपनी फिस्ट में एनर्जी को बेतहाशा कंडेंस कर लिया होता और भयानक पावर वाला एक पंच निंग्याओ के खोपड़े में मार दिया होता है। उसी समय जोयान अचानक ही कांप उठा होता और दो नुकीले दांतों वाला एक बड़ा समूह जोयान को निगलने के लिए आ जाता है उस जगह से जहां पे निंग्याओ था। हालांकि तभी निंग्याओ को अचानक ही वो अपना सिर पीछे की तरफ घुमाता है और ये बड़े से मुंह से अचानक ही निंग्याओ के फिगर को निगल लिया जाता है, जबकि जोयान लकीली यहाँ पे बच गया होता क्योंकि जोयान के पास एक्सट्रीम थंडर थी, इसीलिए जोयान मौके पर ही उस जगह से हट गया था। जोयान अभी स्पष्ट तौर पर देख सकता था कि उसके सामने जो जायंट चीज थी उसका उसे एहसास भी नहीं था कि ये वास्तव में एक पॉइजनस पाइथन है। इस पॉइजन की पाइथन की पूरी की पूरी बॉडी ग्रीन कलर और एज्योर कलर की होती है, इसीलिए आप एक नजर में बता सकते हैं कि यह पूरी तरीके से पॉइजन से भरा हुआ है, इसीलिए इसने अपने मुंह को खोलते हुए जोयान को निगलना चाहा था। साथ ही जोयान ने इसके बड़े से मुंह में दोनों कीले दांत देखे हुए होते हैं जिनमें हरा जहर भरा हुआ होता है।
ये जहर काफी ज्यादा एसिडिक था और यह जैसे ही हवा में उड़ता है एक धमाके के साथ फटते हुए अनगिनत टुकड़ों में बदल जाता है, जैसे कि चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही हों। जो देखकर जॉन के इंप्रेशन बदल गए होते हैं। आसपास पॉइजन की रैन को देखकर, हालांकि जॉन के पास एंटी वेनम पिल या एंटी पॉइजन पिल थी, फिर भी जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके जॉन को इस पॉइजन के टच में आने से बचना था, वरना यह पॉइजन पिल भी ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगी और काम नहीं कर पाएंगी। हालांकि एंटी वेनम पिल के अलावा भी जॉन के पास हार्ट ऑफ फ्लेम है, जो पॉइजन के अगेंस्ट फाइट करने में कैपेबल हैं, और खास तौर पर लिक्विड पॉइजन जो कि वाटर ड्रॉप की तरह है और उसमें कोई भी लॉ ऑफ पावर नहीं है, तो यह ऑब्वियसली नॉर्मल लिक्विड जो यान का विरोध कैसे कर सकता है, वो भी हार्ट ऑफ फायर का। इसलिए जैसे यह लिक्विड जॉन के आसपास बढ़ रहा होता है, जॉन की बॉडी से रिच फ्लेम सी फूट पड़ता है और तुरंत ये जो वाटर ड्रॉप होती है पॉइजन की, ये हवा में ही बाष्पित हो गई होती है। तो चूतिया राइटर, जब ये बाष्पित हो रही है तो फॉग में बनने के बाद भी इनका पॉइजन फॉग में बन रहा होगा ना, तो वो फॉग तो फैलनी चाहिए। अब तू यहाँ पे ये एक्सक्यूज जोड़ेगा कि उस फॉग को भी फ्लेम ने जला दिया, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हार्ट ऑफ फायर इतना तो औकात रखती है यार। नहीं नहीं थ्रियन फैमिली, इस बार राइटर ने चूतिया पर नहीं किया। लेकिन जैसे ही पॉइजन भाप में बदल गया होता, उसका जो पॉइजन होता है वो इफेक्ट गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो मिस्ट में बदल गया होता है, जिससे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जॉन चारों तरफ फैल रहे पॉइजन फॉग को देखकर पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका होता, वो पूरी तरीके से एक ट्रबल सिचुएशन में होता है, क्योंकि अगर वो इस पॉइजन फॉग के अंदर रहता है तो वो हमेशा से नुकसान में रहेगा, क्योंकि आखिरकार निंग्याओ का जो पॉइजन वो वास्तव में काफी पावरफुल था। साथ ही निंग्याओ का जो पॉइजन था वो वास्तव में काफी पावरफुल, लेकिन उसके मेन अटैक की जो मेथड थी वो अभी भी पॉइजन की लिमिट पर डिपेंड करती है। उसे इस पॉइजन मिस्ट से बाहर निकलना ही होगा और इसके लिए जॉन को एक्सट्रीम थंडर की मदद मिलेगी। इसलिए पॉइजन मिस्ट से बाहर निकलने की डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए जो यान की फिगर बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलती है, तभी अचानक एक आवाज आती है, योहाइनेस तो क्या आप लड़ना नहीं चाहते? ऐसा लग रहा था जैसे ये निंग्याओ ही था जो इस पॉइजन पाइथन में बदल गया था और यहाँ पे बात कर सकता था। तभी जॉन कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या ये निंग्याओ ही है जो इस पॉइजन पाइथन को कंट्रोल कर पा रहा है, या वो वास्तव में इस पाइथन में बदल गया। लेकिन कुछ भी हो, मैं इस पॉइजन के सेंटर में रहकर फाइट नहीं कर सकता। हालांकि तभी जोंगू और बाकी के लोग अचानक ही पॉइजन मिस्ट से बाहर आते जॉन को देखते हैं और एक चीखने की आवाज सुनते हैं। उन्होंने देखा था पॉइजन मिस्ट से एक हरा नीला अजगर बाहर की तरफ आ रहा था। तभी अचानक जॉन पीछे की तरफ मुड़ता और तुरंत ही कहता है, सेविन सॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप। जो यान तुरंत ही जल्दी जल्दी अपने कदमों को बाहर निकालता है और हवा में एक फीट अटैक क्रिएट होता है, जो वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और सीधा इस पॉइजन पाइथन की तरफ जा चुका होता है। तभी यह पॉइजन पाइथन अपनी पूछ को जोर से हिलाता है, वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वो इस फीट अटैक से फाइट कर सकता है। साथ ही इसकी पूरी बॉडी पॉइजन मिस से घिरी हुई होती है और टक्कर के बाद ऐसा लगता है जॉन से दोनों अटैक चिपक गए हों और जॉन का सेवन स्टेप वास्तव में रुक गया होता है। जो देखकर जॉन कहता है, वास्तव में खराब नहीं, पॉइजन काफी पावरफुल है। जिसके बाद जोयान सिक्स स्टेप और सेवन स्टेप को भी निकाल देता है। हालांकि जॉन ने सेवन स्टेप सॉकिंग गॉड का यूज किया था, लेकिन इसकी पावर को जॉन ने एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, लेकिन फिर भी इन सेवन स्टेप की जो पावर थी वो अभी भी काफी चौंकाने वाली थी। तभी अचानक ही निंग्याओ कहता है, यो हाइनेस के कंपैरिजन में जो सेवन सॉकिंग गॉड स्टेप वो यूज करते थे, ये अटैक कुछ भी नहीं है बल्कि उनसे बहुत पीछे है। यहाँ पे जोयान से लड़ते समय निंग्याओ जॉन को उकसाने के लिए अपनी बातों का यूज करना नहीं भूला था। जैसे ही ये पॉइजन पाइथन हवा में आता है, इसे उड़ता हुआ देखा जा सकता था। उसकी बॉडी अचानक ही फैल जाती है और उसके दो विंग उगाए होते हैं और साथ ही साथ उसकी बॉडी के स्केल भी बाहर आ चुके होते हैं, जो बिल्कुल स्रॉड की तरह लग रहे होते हैं। जिसके बाद अचानक ही वो स्केल उड़ते हुए जो यान की तरफ अनगिनत ग्रीन लाइट में बदल कर जाने लगते हैं। हर एक स्केल बेहद ज्यादा पॉइजनस था और जान बिल्कुल भी इनसे टच होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी जान कहता, गोल्डन फैंटेसी गॉड, क्या तुम्हारी गोल्डन बॉडी सच में अनबीटेबल है? हालांकि जॉन अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं था, इसलिए जॉन पूछता है। तभी गोल्डन फैंटेसी गॉड कहता है, क्या ये है डेमन गॉड? हैं? डेमन गॉड नहीं, डेमन गॉड का चूजा, ये कूड़ा कचरा गंदगी, तुम इस जैसे चीटी को नहीं मार पा रहे। डेमन गॉड क्या, मैं अगर अपनी रियल बॉडी पे होता ना, मैं इसे अपनी हथेली से पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े करके मार डालता। जो देखकर जॉन कहता है, वो ऐसी बात नहीं है, वो ये सिर्फ मेरा क्लोन है, सभी क्लोनों में सबसे वीक वाला, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं तो उसे अब तक मार डालता।
वैसे भी मेरे 8 क्लोन हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए। जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है ठीक है ये बात भी सही, तो क्या आपको मेरे गोल्डन फैंटेसी बॉडी पर इतना कम भरोसा है? आखिरकार मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी ओरिजिन गॉड क्लेन के 3 मेन गॉड में से एक था। ऐसे बंदों का मेरे सामने खड़ा हो पाना और टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो सुनकर जॉन कोई भी सवाल नहीं करता और उसके खोपड़ी के झोपड़ी के ऊपर डायमंड गॉड का निशान साइन होता है। तभी अचानक ये चूजा तुरंत ही कहता है आई मीन गोल्डन फैंटेसी गॉड, डायमंड गॉड यार आप कल्टीवेशन करने के लिए इतने बेकार से कमजोर क्लोन बॉडी का यूज क्यों कर रहे हैं? यह फट्टू सी बॉडी के साथ आप एकदम चूतिया लगते हैं, आपकी इज्जत भी डूब रही है। मैं होता तो इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता, ऐसी बॉडी रखने का क्या ही फायदा है, लपड़ झंडू सी बॉडी। इस टाइम पे जॉन को काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है कि वास्तव में उसकी रियल बॉडी की बंदा इतने खुले तौर पे बेइज्जती कर रहा था। हालांकि वास्तव में जैसा कि गोल्डन फैंटेसी गॉड ने कहा कि सामने का जो निंग्याओ था वो उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पे जिन हुआ सैन को भी पता होता कि ये डेमन गॉड नहीं बल्कि जोयान की रियल बॉडी है तो वो कभी भी अपने इनहेरिटेंस को जोयान को देता ही नहीं। तभी उस टाइम पे एक आवाज आती है, आप और मैं अलग अलग पावर लेवल्स पर हैं, इसलिए ऑब्वियसली मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं, आप मुझे नहीं हरा सकते। साथ ही जोयान निंग्याओ इससे जिन हुआ सैन से कहता है, जो सुनकर जिन हुआ सैन काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड महसूस तो करता है लेकिन ऑब्वियसली वो इस बात से इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि उसका मानना था कि जॉइंट डायमंड गॉड है, और क्योंकि जॉइंट डायमंड गॉड है और ये सिर्फ जो डायमंड गॉड का क्लोन है तो डायमंड गॉड ऑब्वियसली उसे मार सकते थे, यहाँ तक कि हरा भी सकते थे, यहाँ तक कि अगर वो इविल लॉर्ड का नाम भी सुनता है तो कांप जाएगा क्योंकि एक बार वो बुरी तरीके से पेला जा चुका था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है मैं दूसरी बार आपसे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। आखिरकार पिछली बार जब जिन हुआ सैन डायमंड गॉड के साथ फाइट करने के लिए गया था वो फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 एक्सचेंज की फाइट और जिन हुआ सैन हार चुका था, जो कि उसकी सारी लाइफ की एम्बैरसिंग मूवमेंट हो चुकी थी। जिसके बाद जिन हुआ सैन ने इस फाइट को देखने वाले सभी लोगों को मार दिया था ताकि हजारों सालों तक ओरिजिन गॉड क्लेन के बीच में कोई भी इस बात को किसी को बता ना सके और उसकी इज्जत बची रहे। जिसके बाद वो 1000 ईयर के लिए कल्टीवेशन में चला गया। तब तक जब तक डायमंड गॉड द्वारा लाई गई ये बातें एकदम शांत नहीं हो गई थी। जिसके बाद गोल्डन फैंटेसी गॉड के फ्लक्चुएशन और जवाब के बाद जॉन की आंखें एकदम कमिटेड हो जाती है और बॉडी अचानक ही एन पॉइजन स्केल्स का सामना करते हुए बढ़ना शुरू हो जाती है, और जॉन ने पीछे हटने के बजाय अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया होता और हर एक स्टेप के साथ जॉन की बॉडी का साइज बढ़ता जा रहा था। जॉन एकदम से ही 1000 feet का हो चुका होता है, यहाँ तक ये जो पॉइजनस पाइथन होता है उसके कंपैरिजन में भी जॉन की बॉडी काफी बड़ी हो गई थी। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है गोल्डन फैंटेसी बॉडी। तो चलो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड अब यही एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो भी लाइक कर दो यार, तुम्हारा जा क्या रहा है। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे बे। अबे सुपारी थूक के बात कर यार, क्या मतलब आवाज नहीं निकल रही है डायरेक्ट। चलो बोलो जुबा केसरी, टाटा बाय बाय।